हमारे जवानों पर ऐसा ही गर्व नहीं करना जिसको ये मारना चाहते हैं जवानों को, हमारे जवानों को मिटाना चाहते हैं, उनका घर बार मिटाना चाहते हैं। और हमारे ये तथाकथित सेकुलर वादी बोलते जवानों की गलती है, अरे ये जवान अगर नहीं होते तो इस देश के अंदर ना कोई सिंह होता, ना गांधी होता, ना भोसले होता, ना गायकर होता, ना सोनिया होती, ना अटल होता। ये ध्यान में रखो, ये जवान हमारा हीरो है, ये जवान हमारा भगवान है, ये जवान हमारा आतिथ्य है, आदि है। ये ध्यान में रखना, ये जवान हमारा है। इसलिए मैंने कहा, मैंने इसलिए कहा 2005 में 3,500 से 4,000 आतंकवादी को जिन्होंने ढूंढ ढूंढ कर पानी पिलाया, ढूंढ ढूंढ कर जिनको गोलियां ठोक दी, वो 200 केवल बचे। मेरे रमाकांत भाई यहां पर खड़े, ये कारगिल का जवान है, ये रमाकांत सिंह हमारा कारगिल का जवान है। बजरंग दल ने ऐसे कई हजारों जवान कारगिल में भेजे हैं, और उसके साथ में कौन, यहां के सेकुलरिस्ट, मैं कभी कभी बोलता है ये समाजवादी, हाँ दर्द होता है तो अपने ढूंढन में बांब लगाने वाली औलाद, ये समाजवादी जो नर है ना मादी, ऐसे ये समाजवादी हिजड़ों के पिल्ले इस देश की नाजायज औलाद, और हमें पूछती है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी व्यथा है, ये मेरा दुख है। उस कारगिल को मैंने देखा, ये कारगिल की ऊंचाई मैंने देखी है, उस मिट्टी की सुगंध मैंने सूंघी है, मेरा दिल रोता है। इसलिए मैंने उमेश जी को कहा, ये कार्यक्रम लीजिए। ये सेकुलरवादी बड़े बड़े बैनर दिखाते हैं और कहते हैं यहां की फौज बहुत बड़ी हत्यारी है। क्या करना चाहिए था उस फौज ने, फूल बरसाने चाहिए थे, पत्थर सामने से आ रहे हैं, गोलियां आ रही है, बम आ रहे हैं, लॉन्चर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, गाना गाना चाहिए, बहारो फूल बरछाओ मेरा महबूब पत्थर लेकर आया है, क्या करना चाहिए, गाना गाना चाहिए, गोली से उड़ा देना, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का, क्या कहना चाहिए ये बताइए आप, गोली से उड़ा देना चाहिए। हमने पैलेट गन लगाई, पहली बार पैलेट गन, 60 साल के बाद में हमारे फौज को पैलेट गन मारने का अधिकार मिला। और आप सारे लोग अभी पूरे खुले खुजा रहे, पायलट 10 दिन संडास को गए नहीं है, पायलट की जखम बार बार याद दिला रही है फौज की, जय श्री राम। बाबू मामू ताऊ, वो पायलट गन की जो जखम हो गई है ना, हाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े धब्बे आए हैं, उससे बाबू भी परेशान है, ताऊ भी परेशान है, मामा भी परेशान है, हाँ सारे परेशान है। ये पायलट की गन है, और अभी तक तो हमने अपना कोई गोली नहीं लगाई है, अभी तक कोई गोली नहीं लगाई है। और हमारे सेकुलर मीडिया कहती, अरे उनके फ्रीडम पर ये अत्याचार है, कैसा फ्रीडम पर अत्याचार, तुम उनके बंकर उड़ाओगे, तुम उनके बंकर उड़ाओगे, बलात्कार की केस हमारे जवानों पे कर दोगे, झूठे झूठे आरोप उनके माथे पे लगा दोगे, और कोई आरोप में तथ्य नहीं है। हम जवानों की झूठी तारीफ नहीं कर रहे, इस झूठे आरोप में कोई तथ्य नहीं है, ये इसलिए मैं बताता हूं, सारे तथ्य उजागर हो गए, लेकिन कोई ये तथ्य निकाल नहीं पाया कि हमारे फौज के जवानों ने वहां पर अत्याचार किया। तुमको कभी ध्यान नहीं आया, फोकट की खाकर चर्बी आई है, हाँ
एक साला कटवा वो बुरहान बनता है। ये साले झूठे कुरान पढ़कर ये बुरहान अलग अलग कांड कर रहा है और देश का हीरो बन रहा है। ये यहां से शुरू नहीं हुआ मामला, हम लोगों ने ध्यान से सुनना चाहिए। ये हैदराबाद से हुआ, एक हैदराबाद का लंगूर वो हिजड़ा कन्हैया और दिल्ली आकर कलकत्ता जाकर हैदराबाद जाकर क्या कहता है, जो मर गया, कौन मर गया, दिल्ली का हमलावर अफजल गुरु मर गया। क्या बोलते हैं, क्या नारा लगाया किसने, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसलिए कहा, मैं प्यार के कारण भाषण नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे हाथ में गोली होती, मेरे हाथ में अगर AK-47 होती, तो जो जवान करता था वही मैंने करता, मैं करता था, ये आपको मैं बोलता हूं। तुम संसद को, कानून को क्या मतलब क्या है, तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा है। काय के शर्मिंदा है तुम, देशद्रोही की औलाद। तुम कानून को जिस जज ने ये निर्णय दिया उस जज को कातिल कहते हो और बोलते कि वो जिंदा है उसको मारना चाहिए। ये संविधान के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, ये संविधान के प्रति तुम्हारा प्यार है, क्या है क्या तुम्हारा प्यार, ये समझने की आवश्यकता। ये ऐसा झूठा प्यार तुम जता रहे हो और कातिल जिंदा है। अरे इतना याद रखो, यहां पर जितनी ट्रीटमेंट मिलती है ना, दुनिया में कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिलती। इतनी सुविधा जो यहां पर मिलती है वो सुविधा और कहीं नहीं मिलती। ये सुविधा केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में ही मिलती है। तुम्हारा लालन पालन, ये तुम्हारा लाड़, ये तुम्हारी चापलूसी हिंदुस्तान में ही चलती है। ये ध्यान में रखना। पाकिस्तान जाओ देखो जरा, अरे पाकिस्तान छोड़ो, यहां के मुसलमान ने अमेरिका जाकर देखो, जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है साले के कुले में बंदूक दूरबीन ठोक देते हैं। इसके पास क्या है, ये तुम्हारा विश्वास है अमेरिका में, यहां पर तो तुम तो निकल ही जाते हो। ये जो बहुत बड़ी जो फसल आई है ना, इसका कारण ये है। ये कभी ना कभी सोचने की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कौन सा ये मीडिया सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हेडलाइंस, वो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो तो भगत सिंह है। अरे भगत सिंह के नाम पर कलंक है, वो बुरहान कलंक है इस देश के अंदर। और मैं तो ये कहता हूं उसको दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलनी चाहिए साले के, और यही बात नहीं है। मुझे बताइए हमारे मीडिया ने जैसे बुरहान भगत सिंह था, वो एक एक पेज उसकी जाहिरात दे दी, उसकी न्यूज दे दी। अरे तुम हिजड़े हो क्या मीडिया वाले, शेर के बच्चे हो ना, वो बुरहान ने जितने लोगों को मारा है उसके हाथ के अंदर AK-47 कहां से आई, बम बारूद कहां से आया, जिस जवानों को मारा क्या उनके बाप का, उनके बच्चे का, उनके भाई का, उनके माता का तुमको याद नहीं आया, क्या वो कचरा था, क्या था उनकी माता, क्या थे उनका पिता। मैंने वह दर्द देखा है, जिस कुंडली माने की कुंडली उन्होंने खराब की,
बॉर्डर पर जिसको मार दिया वो कुल्लिक के घर पर ये तुम्हारा भाई जाकर आया, शंकर गायकर जाकर आया, छोटा दिलदा सा बालक ये पूछता है अंकल मेरे पिताजी कहाँ है, अंकल मेरे पिताजी कहाँ है, आप तो आ गए मेरे पिताजी कहाँ है। शंकर गायकर जवाब नहीं दे पाया, उसका पिताजी उसको छोड़ गया, उसका घर लावारिस हो गया, उसके सपना का पूरा ख्वाब मिट गया। इन्होंने कुल्लिक नहीं, कुल्लिक जैसे हजारों लोगों को मिटा दिया, हजारों लोगों को मिटा दिया। यह शहीद होता है, यह भगत सिंह होता है, और इसके ऊपर हमारे देश के अंदर यह सेकुलर मीडिया रोती है। क्यों रोती है, कितने पैसे तुमको मिलते हैं उनसे? मैं पूछना चाहता हूं कितने पैसे उनसे मिलते हैं? और इस समय तो मोमबत्तियां की फैक्ट्री तो बड़े पैमाने पर खुल रही है, कॉटन रुमाल की फैक्ट्रियां खुल रही है, क्यों? तो मोमबत्तियां मोर्चे निकल रहे हैं बड़े पैमाने पर। ये मोर्चे वाले को, मंडली को पूछना चाहता हूं, मोमबत्ती मोर्चा निकालने वाले, दीपक जलाकर चिल्लाने वाले, छाती पीटने वाले, ये विधवा विलाप करने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, अरे जिस लादेन को जगह पर ठोक दिया, उस अमेरिका के खिलाफ एक मोर्चा कहीं निकला क्या? एक आर्टिकल कहीं छपकर आया क्या? एक आर्टिकल छप गया कोई यूनिवर्सिटी में, कोई लड़का खड़ा होकर मानवता के ऊपर अपमान है, मानवता के ऊपर धक्का है, हमारे फ्रीडम को धब्बा है, ऐसा करके खड़ा हो गया क्या? कोई नहीं खड़ा हो गया। ये अमेरिका है, कौन से देश में यही छाती पीट रहे हैं, यही छाती पीटी जाती है, यही रोना रोते हैं। और केवल ये नहीं, इनके स्पॉन्सर वो लंगोर बॉर्डर के पास बैठा है, केवल बॉर्डर के पास नहीं बैठा है, क्या बोलता है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर बोलता है प्रधानमंत्री उनका, मुझे तब तसल्ली होगी, क्या बोलता है, मुझे तब तसल्ली होगी जब यह पूरा कश्मीर मेरे पास आएगा, ऐसे ख्याली पुलाव पकाता है, जिसका अभी अभी 2 महीने पूरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, साले की एक कदम कब्र में है और एक पाकिस्तान के अंदर है, यह हमें मिटाने की बात करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, ये हमें मिटाने की बात करता है। इसलिए बंधु कैसे पुकारता पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती, इनकी गोलियों से आरती करनी चाहिए। और एक बार नहीं, इसलिए मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, बार बार की ये गद्दारी भारत क्यों सहलाता है? दुनिया में अधिक सम्मान पागल कहलाता है। एक बार इसलिए मैंने कहा, बार बार की ये गद्दारी भारत क्यों सहलाता है? दुनिया में अधिक संयम भी कायरता कहलाता है। एक बार सीमा के आर पार युद्ध हो जाने दो, एक बार सीमा के आर पार युद्ध हो जाने दो, एक बार सीमा के आर पार युद्ध, एक बार होने दो, फिर देखो मस्ती आई है। साले 90,000 की फौज पैर के अंदर हमने दबा के रखी थी, ये पाकिस्तान, ये किसका पाकिस्तान है? ये अल्लाह का पाकिस्तान नहीं है, ये मुल्ला का पाकिस्तान है, ध्यान में रखना। ये अल्लाह का पाकिस्तान नहीं, अल्लाह का पाकिस्तान नहीं, ये मुल्ला का पाकिस्तान है। इसलिए छाती पीट पीट कर भारत की तरफ आंखें उगाल रहे, अंगार उगाल रहे, ये इसलिए मैंने कहा, इनकी क्या औकात है ये जानते हैं? अरे जिस हिंदुस्तान ने 90,000 की फौज अपने पैर तले दबा के रखी,
ये तेरा तुम्हारा शौर्य, भीख मांग रहे थे अपनी जान की, अरे हमने तुम्हें बख्श दिया एहसान फरामोश। तुम हमसे लड़ने की बात करेगा, हमें मारने की बात करेगा? अगर ऐसा ही समय आया, इसलिए मैंने कहा ऐसा ही अगर समय आया, हम सबको सोचने की आवश्यकता है। जो अपने नीचे जो अंगार लगी है त्याच्या ढूंढण्याच्या खाली जो अंगार लागले, आग लागली, त्याला ती विझवता येत नाही। आज कराची जल रही है, आज गुलिस्तान जल रहा है, आज पंजाब जल रहा है। अरे तेरे पास है क्या साले? 60 साल में कौन सा विकास तुमने किया है? कौन सी वास्तविक आजादी तुमने पाई है? कौन सा विकास किया है? कॉटन का, जिसकी फैक्ट्री हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान ने सोच लिया ना, साले तेरे को बिगर पानी का मार देंगे, यहां पानी बंद कर दूंगा। आपको मालूम है इनके यहां जो पानी जाता है ना, उसकी सारी नदियां हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान के पीएम ने तय किया बिना पानी का मर जाएगा। जिस धर्म के ऊपर ये कूद रहा है, ये दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान है, इसके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मित्रों, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये दाऊद पुरस्कृत पाकिस्तान है। ये जो मुल्ला चिल्ला रहा है, इसलिए मैंने कहा इसको सोचने की आवश्यकता है। बार बार जिसकी हालत खराब है हम पर डोरे डालता है, जिसकी फौज हमने पैर के नीचे दबा रही उसको डोरे डालता है। अरे जिसका जिसकी बॉर्डर टूट गई है, धर्म के ऊपर इतना कूदता है ना, जरा किसको पूछो तो तुम्हारा इतना हिस्से क्यों हो गए? क्यों बांग्लादेश तुम्हारे पास से निकल गया? आज गुलिस्तान तुम्हारे से क्यों अलग होना चाहता है? कराची तुमसे क्यों अलग होनी चाहती है? पंजाब तुम्हारे से क्यों अलग होना चाहता है? वो धर्म की डींग मारता है ना। यहां के मुसलमानों ने भी ये सोचना चाहिए। जाकिर नाइक तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, बोलता है मेरी तो मेरे पुरखे तो हिंदू ही थे। तो कुत्ते तुम ये धर्मांतर की बात करने वाले? अब तुमको अकल आई कि मेरे तो पुरखे हिंदू ही थे? अरे हिंदू कहते हिंदू जैसा बर्ताव करो, इस देश के अंदर धर्मांतर की कोई चाल मत चलो। इसलिए हम सबको इसलिए जागना पड़ेगा। और मैंने इसलिए आपको कहा जो आजादी की बात करते हैं, फ्रीडम पर बात करते हैं, ये केवल नहीं, ये जवानों को मारना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को उजाड़ना चाहते हैं, मेरे माताओं को विधवा करना चाहते हैं, मेरे भाई को अलग करना चाहते हैं, मेरे बच्चों की छाया ये छीनना चाहते हैं बंधुओं, ये आग तुम्हारे मन में लगनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा केवल हम अमरनाथ ऐसे ही नहीं जाते, बजरंग दल केवल अमरनाथ नहीं जाता। अगर हमने एक ही बार कहा था, अगर समय आया इस देश के अंदर वायुदल है, नौदल है, भूदल है, समय आया तो बजरंग दल है वो राष्ट्र बनता है। ये चौथा दल रास्ते पर उतर आ जाएगा, फिर अपनी मुसीबत अपना मुंह छुपा नहीं पाओगे, एक बंकर बना नहीं पाओगे, ऐसी हालत। ये खुद डरपोक था, मैं आगे की बात नहीं करना चाहता हूं, केवल डरपोक में आप समझाइए कितना डरपोक था, चमड़ी चोर साला। एक औरत के लिए देश को नीलाम कर दिया साले ने। क्या नाम उस औरत का? माउंटबेटन। गूगल पर है, देखो शंकर गायकर गलत नहीं। मैं कैसा प्रधानमंत्री, मैं अभी एक पत्रकार से बात कर रहा, मैं कैसा इनको अपना प्रधानमंत्री मानूं जो रंडीबाजी करता है, रंगरलिया बनाता है, उसको मैं अपना कहूं? क्या मेरी पीड़ा नहीं है? साले 4 लोग बैठते हैं और देश का विभाजन कर देते हैं।
इस देश का सुभाष मर गया था, इस देश का भगत सिंह मर गया था, इस देश का राजगुरु मर गया था। कौन मर गया था यह समझने की आवश्यकता है। ऐसे होते हुए तुमने देश का विभाजन कर दिया, लाखों करोड़ रुपया दिया बदले में आजादी का तोहफा, मेरे माता बहनों के जंगाओं पर अल्लाहो अकबर के नारे बुलंद कर दिया। हंसने की बात नहीं है, शर्म से डूबने की बात है। मैं हंसने के लिए कोई यहां पर कार्टूनगिरी नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना। ये छाती छिलनी होती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। अगर तुम डरपोक थे, कहते हैं नहीं नहीं हम तो डर गए थे, हम तो घबर गए थे। अगर तुम घबर गए तो इस देश के अंदर पीछे क्या था? 1927 से लेकर 1947 तक तुमने क्या निर्माण किया? फिर सारे हिजड़े निर्माण किए क्या बापू? क्या निर्माण किया? मेरे में लड़ने की ताकत नहीं है। मैं अरे हम तो उनके ऊपर, हमें उनके ऊपर नाज है, हमें रसीद पे नाज है, हमें शौकत पर नाज है, हमें अब्दुल हमीद पर नाज है। क्यों रमाकांत जी? अरे जिसने हजारों टैंक उनके खालसा कर दिए, ये भारत का मुसलमान जवान, ये मुसलमान ब्रिगेडर, जब देखा अब्दुल हमीद गिर गया है, रशीद ने तुरंत बंदूक थाम ली। और जिन्होंने हमीद को मारा था, साले के छाती के पूरे पलटन की पलटन गिरा दी। वो नौशेरे का शेर, वो नौशेरे का शेर यार करो, वो शेर था उस इस्माइल। हाँ, वो घोरी तो मेरा हीरो है। अरे जिस घोरी ने, जिस वो कासिम मेरा हीरो है, ये आतंकवादी सारे इनके हीरो।